राम राम भाई सारे भाई ने। ये देखो भाई दिल्ली पुलिस की बाण है, ये दिल्ली पुलिस में सब कुछ हो गया इनका, फिजिकल मेडिकल में भाई ये हुई है डिस्क्वालीफाई। और इनका कहना भाई गलत तरीके से बाहर हुए हैं ये, तो इन तब बात करते हैं भाई किस प्रकार तक ये कुछ गलत हो रहा है। और भाई उम्मीद है भाई इसने सही जगह शेयर करियो। और भाई इनका एक ग्रुप भी है जिस भाई ने नूला गन हमारी गिल गलत हो रहा है, उस ग्रुप में जुड़ियो भाई, कमेंट में पिन कर दूंगा उस लिंक ने इनके ग्रुप का जो भी लिंक है। और बाकी इन बाणा तो बात करते हैं भाई क्या कुछ माहौल चल रहा है। कौन सा गाम बेबे के नाम है भाई? इशारत है। चल मेरा नौकनी का पॉइंट बनाया। अच्छा बिना पहले तो जहाँ मेडिकल दिया था, रीमेडिकल दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ औरतों का ओपिनियन लेना, आपने उन औरतों का ओपिनियन लिया नहीं, और रीमेडिकल में सीधा अनफिट लिख के दे दिया मेरे से। ये देखो भाई नौकनी करके दिखा मेरा, कोई नौकनी नहीं, नहीं। और नौकनी का पॉइंट दे, बीएसएफ वाले ने अपने हिसाब से करा है। दिल्ली पुलिस के अलग क्राइटेरिया है और हमारे कुछ अलग है। दिल्ली मतलब बीएसएफ के अलग है और आर्मी के अलग है, तो उनने जज किया भारतीय आर्मी के बेसिस पे कि 5-7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मेरा शायद 5 या 6 सेंटीमीटर का है, उनने बस उस बेसिस पे अनफिट लिख दिया भाई मेरा। चलो इस बाण के लिए दिक्कत हुई। आप जी कहाँ से हो भैया? मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ। अच्छा। और मेरा आई विजन का दिया है, लेकिन मेडिकल में जाने से पहले भी मैंने अपना एक सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट कराया था, उन्होंने मेरी 6x6 की आई बोली थी। तो जब वहाँ पे जाके कराया पहले में, तो उन्होंने बोल दिया 24 ही है कि 6x24 है आपकी। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला, जैसे आज मेरा रिजल्ट आया, 4 दिन बाद तो रिजल्ट दिया, उसके बाद बोला ये रीमेडिकल की लाइन, इसमें बैठ जाओ। 1 घंटे पहले मुझे दिखाई नहीं दिया, 1 घंटे बाद मुझे दिखाई दे देगा, ये रीमेडिकल होता है। उसके बाद कोई नहीं रीमेडिकल जब हमारा हो, उसमें उन्होंने मुझे 6x18 दिया, लेकिन जब मेरी 6x6 है तो 6x18 किस बेस पे दे रहे हैं? जितना उन्होंने पढ़वाया हमने सारा एंड तक पढ़ा, और क्या एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ते हम? और ऐसे करके फिर मुझे 26 जनवरी में रिजल्ट दिया। 8 दिन मुझे लगातार बुलाया, सुबह में 8 बजे पहुँच जाती थी, 7 बजे छोड़ते थे। इतने 8 दिन लगातार, 8 दिन लगातार। और अगर मैंने मतलब रिजल्ट तो मेरा पेंडिंग था, रीमेडिकल भी मेरा 4 दिन के अंदर अंदर हो गया था सारे काम, फिर भी मुझे उन्होंने 5 दिन एक्स्ट्रा बुलाया। और तब जाके 26 जनवरी पे जब मैं वहाँ रोने लगी, मैं कि मैम आज मेरा प्लीज़ रिजल्ट दे दो, जैसा भी आप दे दो, तब उन्होंने मुझे मेरा रिजल्ट दिया। ये सब अपने क्राइट, अगर कोई 6x9 का भी है ना, ये उसे भी रिजेक्ट कर रहा है, जबकि हमारी दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है कि 6x12 को पास कर देते हैं, मेडिकल क्राइटेरिया में साफ साफ है। और वेट का तो कोई इशू ही नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अंडर वेट करके बाहर कर दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है भैया हमारे साथ। हम फिट है लेकिन फिर भी अनफिट कर दिया हमें, अपने क्राइटेरिया से चल रहे हैं। चलो भाई बड़ी दिक्कत हुई बेबे अपना। मैं चूरू राजस्थान से हूँ, मेरे को आंखों में पॉइंट दिया है। 19 तारीख को मेरा फर्स्ट मेडिकल था और 25 तारीख को फाइनल रिजल्ट सुनाया री मेडिकल होने के बाद। 5 दिन तक री मेडिकल का रिजल्ट नहीं सुनाया हमें, और जिसमें आंखों में पॉइंट दिया, बाहर हमने टेस्ट कराया तो एकदम 6x6 आ रही है, फिर भी हमें अनफिट कर दिया गया है। बड़ी गलत होया भाई। रोहतक से हूँ भाई, आइस विजन में दिया है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बस आइस विजन में पॉइंट दे दिया 6x18। रीमेडिकल अगले ही दिन ले रहे हैं, और रीमेडिकल में भी पिछले वाले रीमेडिकल में तो 6x12 थी आई, और अगले ही दिन उन्होंने 6x36 कर दी। इनका कोई पैरामीटर भी ज़्यादा, 3 गुना हो गया, 12-36 बना दिया। और बाहर जब चेकअप करवाता है तो फिट आता आदमी, अंदर ये आर्मी के हिसाब से ले रहे हैं अपना। भैया मेरा भी सेम ही है आई विजन का, मेरा 6x18 निकाला है इन्होंने, और अब नेक्स्ट डे जैसे मेरा 19 को मेडिकल रीमेडिकल जी जी 19 को मेडिकल के लिए बुलाया गया, और 20 को फिर मतलब कि सारा चेकअप वगैरह करने के बाद, और अगले ही दिन उन्होंने रीमेडिकल के लिए दे दिया और बोल दिया कि आप अनफिट हो, ऐसे बोल दिया, मतलब टाइम भी नहीं दिया रीमेडिकल के। सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि हमें इन्होंने टाइम ही नहीं दिया रीमेडिकल के लिए। चलो ठीक है, दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन। भाई आपके साथ क्या दिक्कत हुई? भाई मेरा कैरी एंगल में पॉइंट दे दिया था इन लोगों ने, कैरी एंगल में, जबकि मैं ना अपने नजदीकी अस्पताल में जाके चेक करवाया था, उन्होंने बताया वो इतना तो दिल्ली पुलिस में चल जाता है। अच्छा कुछ हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं, इन्होंने 16 तारीख में हमारा मेडिकल, 17 तारीख में मेडिकल लिया, उसके बाद 19 तारीख में हमारा रिजल्ट सुनाया, और 19 के 20 में हमारा रिजल्ट सुनाया, उसके बाद इन्होंने बिगर बताया हमें रिजल्ट सुना के, तुरंत ही हमें 20 मिनट बाद वहाँ से उठा के ले गए हैं और बैठा दिया हमें, बोले आपका रीमेडिकल होगा। अब ऐसा क्या कहाँ होता, कम से कम रीमेडिकल के समय तो देते हैं, कम से कम हम अपना चेकअप कराएं किस चीज़ में हमारी दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही है, कैसे न कैसे करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं पढ़ाई करके, कम से कम पास किया एग्ज़ाम से, लेकिन ये लोग पता ना क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ सुनी नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं है हमारा। भाई भाई मेरे आई वी जी में दिक्कत थी, उन्होंने कहा मेरा 6x12 था, उन्होंने 6x18 लिख दिया, फिर हमें अगले दिन ही अगर रीमेडिकल दे दिया, कुछ टाइम ही नहीं दिया उसने। सो आर्मी लेवल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन ही वो चल रही नहीं उनके अनुसार, फिर हमें रीमेडिकल हाथों हाथ जल्दीबाजी में करके हमें बाहर बिठा दिया, और हमें 8 दिन लगातार बिठाए रखा, ना हमें बताया कि आप फिट हो अनफिट हो, लास्ट में जाते वक्त कह दिया सभी अनफिट हो आप बैठो ना सभी। हाँ कितने बच्चे थे हमारे ग्रुप में? हमें 30 बच्चे थे लास्ट में,
सभी में उन्होंने दो बच्चों को पास किया और सभी को घर भेज दिया। अब जब आप फ्री हो यहाँ से, चलो बाय। भाई मेरा बीपी में पॉइंट है। बीपी? हाँ जी, बीपी का बना रखा है, बेमतलब का बना दिया। कोई बीपी वीपी है नहीं मेरे। मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी करवाया, वहाँ भी सही आया। दो हॉस्पिटलों में मैं करवा चुका हूँ अब तक, लेकिन हाँ जी सब जगह सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और वहाँ पे जब फ्री मेडिकल के लिए हमें ये भी नहीं बताया गया कि तुम्हारा पॉइंट कायम है, पॉइंट का कुछ बताया नहीं हमें। सीधा री मेडिकल के लिए ले गए और ले जाके वहाँ पे बीपी मेजर करा। बीपी मेजर करने के बाद में कह दी कि तुम अनफिट हो। हम आठ बंदे थे, मतलब कुल मिलाकर तरीके से काम ना हो रहे हुए कई दिन। तरीके से कोई नहीं कर रहा, बस सब ऐसी तरीका कुछ आ ही ना रखा बिल्कुल भी। मतलब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में होता है उस तरीके का कुछ देख ही ना रहे। हमें पहले कह दिया कि आप अनफिट हो। हमें पहले जब हम मेडिकल कराने गए ना, हम 10-15 बच्चे लास्ट में थे। हमें पहले कह रहे आप अनफिट हो, आ जाओ आपका काम कर देते हैं जल्दी। चलो भाई चलो। हाँ भाई बोलो, भाई बोलो भाई, वो क्या समस्या हुई? भाई मेरे का 20 तारीख को मेडिकल हुआ था, वहाँ पे मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया गया। 20 को रिजल्ट कुछ नहीं बताया गया, 21 को रिजल्ट बताया गया था, और वहाँ पे मेरे को ये कुछ नहीं बताया गया था मेरे किस चीज़ का पॉइंट है, कुछ नहीं बताया गया। वहाँ से वो आप एसटीसी कैंप डिग्री है बीएसएफ का, वहाँ बुलाया गया, वहाँ पे भी बिठाया रखा 2 दिन। उसके बाद मेरे को कुछ चेक नहीं किया गया, पता नहीं चला है किस कुछ भी नहीं। वहाँ पे मेरे को ये भी नहीं बताया, बड़ा कन्वेयर ही नहीं लग रहा भाई यो बता रहा। और कुछ चीज़ का वहाँ पे मेरे को कुछ चेक भी नहीं किया गया। और दूसरे दिन मेरे को वहाँ से तुरंत ये बोल दिया गया कि हार्निया में तू अनफिट है। मेरा रीमेडिकल में चेक भी नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ। चेक भी होता तो मेरे को ये तो तला पता चलता भाई कि मेरा रीमेडिकल इस चीज़ का हुआ है, इस चीज़ का पॉइंट है मेरा। भाई भाई मेरा जैसे सीआरपीएफ कैंप 19 को झाड़ो था कैंप में मेडिकल आयोजित हुआ, और उसमें क्या है मेरे को जैसे फर्स्ट दिन तो उन्होंने 20 तारीख को पहले तो जांचें की, जांचें करने के बाद शाम को रिजल्ट सुनाया। जिनको फिट है उनको घर पे भेज दिया, और जो अनफिट है उनको वहीं पे रख लिया कि आपको कल सुबह 8 बजे फिर से आना है। और उन्होंने ये पॉइंट नहीं बताया पॉइंट किसका है। अगले दिन उन्होंने फिर डिले करते रहे, और 23 तारीख को उन्होंने वहीं पर उसी अस्पताल में डॉक्टर के पास दिखवाया, सर्जन के पास, तो सर्जन ने देख के ही लिख दिया कि आपके अम्बेलिकल हर्निया है। जबकि बाहर आकर मैंने सफदरजंग जैसे अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श अनुसार मैंने वहाँ पे जांच करवाई, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा कि हर्निया नहीं है आपके, ओनली डिफेक्ट है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन देने चलो सर। लो भाई, इन भैया की मांग है कि दोबारा मेडिकल कराया जाए। कम से कम 15 से 2 हज़ार बालक फैल कर रखे हैं, कम से कम तो 15 से 2 हज़ार बालक मेडिकल में फैल कर रखे हैं। इनके सब के रीमेडिकल किए जाए भाई। और हमारे से कोई टाइम नहीं दिया गया था रीमेडिकल के लिए, और मेडिकल हमारा दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड से लिया जाए, ना कि आर्मी स्टैंडर्ड से लिया जाए। आर्मी का स्टैंडर्ड बहुत अलग है भाई, हाई लेवल का है। सही बात है भाई। किसी का बीपी का पॉइंट बना रखा है, किसी का यूरिन साल्ट का बना रखा है, जो चीज़ ठीक हो सकती है उनके लिए बना रखा है। भविष्य का सवाल है, कम से कम ये तो देख ले मैं, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है। अब ये कह रहा है कि अगली भर्ती में देख ले, अगली भर्ती में देख ले मैं, क्या पता भाई अगली भर्ती में आया नहीं आया। इसमें मेहनत वो क्या कर लेगा, जिसके एज ओवर है वो बेचारा। बात तो सारी है, जो चीज तरीके से जो चीज जिस तरह हो उस तरह हो जाए, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी वो मांग रहे। मतलब तो ये होता है ना कि हम आपको 1-2 दिन का टाइम दे रहे, अगर आपकी कमी सुधार दिला तो सुधार क्या होगा। अब 1 घंटे में कमी कैसे सुधरेगी, शाम तक बीपी तो अप डाउन होगा ही होगा। भूखे भूखे पेट भर के बच्चों को बाहर कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। वो अपने उन्हें अगर उनसे हम बोलते भी है ना, मैंने बोला कि मैम जो दिल्ली पुलिस का क्राइटेरिया है उसमें 6x12 भी चलती है, तो मेरी तो 6x12 से भी अच्छी है। तो उन्होंने बोला तुम सिखाओगे हमें, और वो यहाँ तक कि जो कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल ने भी बोला कि मैम मतलब हमारा दिल्ली पुलिस का थोड़ा ऐसे ही होता है, मतलब जो पुलिस में भाई लाग रहा था उसने भी इनकी हेल्प करी। उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें बोला मेरे से बदतमीजी कर दिया, कांस्टेबल भी धमका दिया, हाँ वो क्योंकि उसका तो खुद हो रहा था, वो तो नॉर्मल बताओ। उन्हें भी बोल रहे कि मेरे ऊपर मेरे सर पे आके चढ़ रही है, मेरे से बदतमीजी कर रही है, ऐसे बोला उसे कांस्टेबल को भी। वो फीलिंग समझते हैं बच्चों की, हाँ पूरे दिन परेशान है भाई, बड़ी मेहनत करके पहुंचते हैं। सही बात है भाई, कितने नंबर है किसी के कितने सारी। मैंने कहा मैं कि मैम ऐसे ऐसे कर रहे हैं सबके साथ, तो उन मैम को भी इतनी बदतमीजी से पेश आई वो डॉक्टर। अब बताओ वो रूड है, मतलब मान रहे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि किसी की वो ही ना करो आप। चलो भाई इन आपकी भी नहीं सुन रहे, इनकी मांगे देख लिया तुमने, सुन लिया भाई। इन दोबारा मेडिकल कराया जाए अपने क्राइटेरिया के अंदर। हाँ, और जिन भाई भी पुलिस में मानते हो और जिन भाई के लिए गलती हुई है, इसमें लिंक मिलेगा भाई डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, उससे जुड़ो, ग्रुप में जुड़ो। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी मांग ज़्यादा जल्दी पूरी होने की संभावना बनेगी। ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई।